लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हंगर स्ट्राइक है आपकी, तो आप हंगर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? हम हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं, शायद आपको पता हो कि 1997 में जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ था वो डिपार्टमेंट वाइज हुआ था। हम सभी लोगों ने, यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने मिलकर इसको फाइट किया था, और कि भाई जो जो डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होता है हमारी, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है SC ST OBC का जो रिजर्वेशन दिया वो पूरा नहीं होता है। हमने हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ HRD, UGC, कमीशन फॉर SC ST में जाकर इसको डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर को 200 रोस्टर इम्प्लीमेंट कराया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसमें भी हमारे साथ यहाँ धोखा किया क्योंकि तो 200 रोस्टर इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें बैकलॉग नहीं दिया, और उसमें 200 रोस्टर में यहाँ पर जो हमारी बैकलॉग की पोस्ट थी उसको शॉर्टफॉल का नाम दे दिया गया, और शॉर्टफॉल एक्चुअली हमारी बैकलॉग पोस्ट है सारी। अब उसको 200 रोस्टर इम्प्लीमेंट करने से कुछ सीट्स हमारी SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन होने लगा था, कुछ भर्तियाँ होने लगी थी, एडवर्टाइजमेंट भी निकल गए उसके अकॉर्डिंग, अब जबकि हमें बैकलॉग नहीं किया, क्योंकि हमें उसके बाद अब जो 5 मार्च को एक ऑर्डर आया है जो UGC ने दिया है, और उसमें फिर इसको डिपार्टमेंट करने से अब जो एडॉप्ट यहाँ पर आ रहे थे डिपार्टमेंट वाइज करने से अब वो लोग निकल जाएंगे यहाँ से। अब बोलो यहाँ पर जो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं उनको अब नौकरी दूसरी जगह कहाँ मिलेगी? तो ये जो पूरी हमारी BJP सरकार है जो वो हमारे SC ST OBC के अगेंस्ट में काम कर रही है, और कुछ हमारे यहाँ पर कुछ जो MPs और वो भी आते हैं यहाँ पर, वो भी अपनी आके हमारे जो SC ST OBC के जो इश्यूज है उस पर बात नहीं करती है। उनका क्या काम होता है? वो अपनी पार्टी के क्या एजेंडा है, क्या आइडियोलॉजी है, उसको यहाँ फूकना चाहती है। अगर यही ठीक होते तो आज जो संविधान चेंज होने की बात आ रही है, आनंद कुमार हेगड़े जी ने कहा था हम तो संविधान को चेंज करने आए हैं, लेकिन जो आपने जिनके नाम गिनाए जो SC ST OBC के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने किसी तरीके की कोई भी अपने मुखार बिंदु ही नहीं कहा भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनको जो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MPs हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली देखा जाए ये इशू है। मैं तो उनको बुलाने वाले भी तो आप लोग हैं। हाँ, जो बुलाने नहीं, कुछ जो उनकी आइडियोलॉजी के लोग हैं जो उनकी पार्टीज में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर बुलाते हैं, जबकि हम उनको पहले हमारा डिसीजन यही था कि हमें यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करानी है, फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि इनको भी अलाउ करना चाहिए और आना चाहिए, कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, पर उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये पॉलिटिक्स करते हैं। देखो अगर MPs को सबको पता है, हमें इनको रिप्रेजेंटेशन सब MPs को हमने ऑनलाइन और हर अखबार में आ रहा है सबको पता है, ये पार्लियामेंट में वहाँ पर जाम क्यों नहीं करते, वहाँ पर ये रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते भाई इसको 200 इसको रिवर्ट बैक किया जाए और इसको 200 जो रोस्टर उसको कंटिन्यू किया जाए। दैट मीन्स ये एक्चुअली ये डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों डरते, क्योंकि आगे से जो इसकी जो सीट है वो कट जाएगी। एक्चुअली दे आर नॉट दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SC ST OBC, एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर फॉर दी अदर पर्पज। सागर जी, अभी आपने 20 तारीख को भी एक जजमेंट आया है और जिसमें जो एट्रोसिटी एक्ट जिसमें उत्पीड़न होता था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या जो उत्पीड़न होता था उसमें इन्होंने संशोधन करा है कि अब किसी प्रकार की कोई FIR वगैरह वो डायरेक्ट नहीं ली जाएगी। मैं इसका पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। ये सरकार कई 2-3 पहले से ही ऐसे जजमेंट आ चुके, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट करवा रही है जो अभी एट्रोसिटी एक्ट में थोड़ा सा फेरबदल किया है। अब ये देखिए, ये पूरी जो BJP सरकार है पूरा गुंडागर्दी पर तुली हुई है, अब इसके थ्रू जो इनके जो गुंडा एलिमेंट्स हैं हर स्टेट्स में काम कर रहे हैं वो और गुंडागर्दी फ्री हो जाए, क्योंकि इनके आपको पहले पता कि DSP इंक्वायरी करेगा और DSP रिकमेंड जो ACP है वो उसको अलाउ करेगा, वो करेगा हाँ इसकी अब इसकी FIR लॉज हो सकती है। अब ये बताइए जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको अब इनके अपने सत्ता के ही लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो और इनके सत्ता के लोग ही उसको DSP और ACP का उनका ही ट्रांसफर अपने लोग बैठाए जाते हैं। भाई जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग SC ST OBC के तबके पहले से इनकी FIR लॉज नहीं लिखी जा रही थी, कुछ था कुछ अपना धरने। सागर जी, मैं अब एक मेन बात पे आ रहा हूँ कि सागर जी हमसे जो पहले की जो पीढ़ी है जो बुजुर्ग जो थे हमसे पहले की पीढ़ी के अनपढ़ गंवार हुआ करते हैं,
मानते ना इस चीज को ना, बिल्कुल। लेकिन गवार नहीं कहेंगे, अनपढ़ हुआ करते थे। नहीं, अनपढ़ गवार कहेंगे सर। अच्छा चलो, बिल्कुल सही है। अनपढ़ गवार मैं क्यों कह रहा हूं, गवार क्यों नहीं कहेंगे? अगर गवार कहोगे आप, दिल में एक दर्द है। क्या गवार, मैं बता रहा हूँ ना सर, अगर गवार होते तो हम यहाँ नहीं होते। गवार मत कहिए, मैं बता रहा हूँ सर उनको। अनपढ़ गवार मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो सिर्फ ये जानते थे बाबा साहब ने संविधान लिखा है और बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन उस समय उन जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने संविधान को टच नहीं होने दिया था। और आज जिन लोगों को तीन तीन चार चार लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, अच्छा बंगला है, अच्छा उन्हें सिक्योरिटी है, और आज ऐस और अयास की जिंदगी जी रहे हैं, उनके होते हुए आज संविधान के अंदर ऐसे संशोधन हो रहे हैं, तो पहले लोग अच्छे थे या आज के लोग अच्छे हैं? एग्जैक्टली जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया, पढ़े लिखो नहीं धोखा दिया है, और मुझे आज दिस इज क्लियर कट आज भी है। देखो ये हमारी जो पढ़े लिखों की ड्यूटी है कि इसको संविधान को प्रोटेक्ट करना है, है? इससे पहले कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं, मैं यही बोलूँगा धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी कही है कि भाई हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेर बदल हम इसको करेंगे, इसकी ज़रूरत है। तो ये हम ये कहेंगे जो पुराने जमाने जो इनोसेंट थे, हमारे बुजुर्ग थे, हम गवार नहीं कहूँगा, इनोसेंट थे, वो ज़्यादा अच्छे थे आज के इन आज की पीढ़ी से, और 100% अच्छे थे, क्योंकि वो उनमें कोई कल्पिटनेस नहीं थी, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। आजकल क्या देख रहे हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट पहले देखते हैं, और जो जो हमारे जो समाज का काम है वो बाद का काम है, और इसी के वजह से हम अब पीछे जा रहे हैं। अगर ये रवैया रहा, ये देखो फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, हम नौकरी वोकरी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन अगर इसी तरह से एस टू की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, जो बाबा साहब का सपना था कि हम बहुत हम उनका विजन बहुत आगे था कि हम आगे सब मिलकर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम आगे पहुंच जाएंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से हो जाएगा और हम दूसरे के बराबर पहुंच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगा ये सरकार ये सरकार मुझे जहाँ से शुरू हुए थे हम वहीं पर पहुँचाने ये वहीं पहुँचाने वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए सर, हमें लगता है कि जो हम शहर के अंदर रह रहे हैं तो हमारे साथ में ऐसे एट्रोसिटी ना हो, लेकिन गांव देहात के अंदर जो हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं या हमारे जो सगे संबंध हैं, तो आज जो एट्रोसिटी जो पहले से होती आ रही है उसका तो सामना बहुत बुरी तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, बुरी तरह से देखो एट्रोसिटी पहले से गाँव में भी और पढ़े लिखों में भी उससे भी ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ क्यों। क्योंकि अब हमें इतनी अवेयरनेस आ गई है और हम अपनी बात को रख रहे हैं, तो अब इनको टॉयलेट नहीं हो पाता है, तो ये खुद कह रहे हैं कि अब कास्टिज्म ज़्यादा होता जा रहा है, पर हम अपनी जो हमारी जो क्या नाम है हमारे जो जो हिस्सा होना चाहिए, हम उस हिस्सा की बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो जो दूसरे लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कास्टिज्म ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली कास्टिज्म बढ़ रहा है, पर ये मतलब एडवोकेटिंग ये ज़्यादा कर रहे हैं कि कास्टिज्म बढ़ रहा है। एक्चुअली कास्टिज्म बढ़ रहा है, एट्रोसिटी हो रही है और कोई देखने वाला नहीं है, कोई मार कटाई किसी हो। आप इसी से एग्जांपल देख लीजिए या जो उत्तर प्रदेश में मोर देन 1200 इनकाउंटर कर दिए गए, उसमें ज़्यादातर कौन है, मतलब बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के हम कहेंगे क्योंकि SC ST OBC ज़्यादा बहुजन समाज में ही आते हैं हम, और ज़्यादातर OBC के लोग भी हैं। मैं बताऊँ आपको उसमें OBC एंड जिस माइनॉरिटी के लोग हैं जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको इनकाउंटर किया, जबकि उसमें से आधे से ज़्यादा इनोसेंट लोग। अगर ऐसे ही चला ऐसे ही अगर चलता रहा तो अब इतना गुस्सा इतना भड़का हुआ आज के लोग में कि अंदरूनी यहाँ पर आपस में क्या गिरे हो तो ना हो जाए, मैं ये सोच रहा हूँ, और ये संभावना हो सकती है अगर इसी तरह से चला, क्योंकि आज के जो पढ़े लिखे देखो जैसे MTech कर रखा और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे उनको 10-10, 8-8, 9-9 लोगों की 8-8, 9-9 हज़ार की जॉब नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या करेंगे है? और जो भी थोड़ा बहुत मुझे जो सर्विस के थ्रू मिल रहा था जो हमारा वो भी ये खत्म होता जा रहा है।